हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फोटेक अजय। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सेल में इनवाइस बनाना बताऊंगा कि जीएसटी इनवाइस कैसे बनाते हैं। इसमें अगर हमको लोगो लगाना हुआ, कोई आइकॉन लगाना हुआ, या इसको जो है इसमें कोई ब्रांड का नाम लिख के उसको लोगो के साथ एडजस्ट करना हुआ, या फिर इसकी साइज़ कैसे करेंगे, या तो फिर इसको मार्सल कैसे करेंगे, या फिर इसको पीडीएफ में कैसे क्रिएट करेंगे, इन सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को देरी ना करते चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि हमारा ब्रांड नेम है, यहाँ इनवाइस लिखा हुआ, सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसमें डिसाइड कर लेंगे हमारा कितना रो है और कितना कॉलम बना हुआ है। तो इसमें देखिए, हम काउंट कर ले रहे हैं टोटल, जितना अपने हिसाब से इसको हम काउंट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें जो है सारा चीज़ डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखिए कॉलम को बना लेते हैं। कॉलम को बनाने के बाद जैसे कि हम यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके हमें आइकॉन लाना, ब्रांड नेम लाना है, तो कोई आइकॉन ला के हम इसमें जो है ला के इसको हम सेट करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ कंप्यूटर लिख दिया, कंप्यूटर लिखेंगे, कंप्यूटर का कोई आइकॉन आ जाएगा, हम उसको वहाँ से इंसर्ट कर लेंगे। जब वो इंसर्ट हो जाएगा, इसको हम छोटा करके हम यहाँ पर इसको लगा लेते हैं। ये हमारा छोटा हो गया और हम इसको जो है जहाँ पे हमको सेट करना है वहाँ पे हम सेट कर लिए, और यहाँ पे रो की हाइट को बढ़ा लिया। फिर इसको ले जाके हम इसको वहाँ सेट करेंगे। पहले कॉलम को जो है हम छोटा बड़ा, और जैसे हमको जैसे सीरियल नंबर है पर्टिकुलर, डिस्क्रिप्शन के लिए, आइटम डिस्क्रिप्शन के लिए, क्वांटिटी प्राइस और टोटल अमाउंट के लिए, उसके हिसाब से हम कॉलम को यहाँ पर हम छोटा बड़ा कर लेते हैं। फिर इसको हम यहाँ से मर्ज भी करेंगे, और मर्ज करने के बाद फिर हम यहाँ पे देखिए जो है इस आइकॉन को हम इसमें सेट कर लिया। फिर हमने मर्ज किया, अब हमको यहाँ पे जो है लिखना है, ब्रांड नेम लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हमने ब्रांड नेम, मान लीजिए हमने ऐसे ही लिख दिया, ब्रांड नेम लिख दिया। इसमें अगर हम ऐसे पूरा मर्ज करके करेंगे तो पूरा मर्ज हो जाएगा, तो फिर हमको आगे इनवाइस भी लिखना, तो वो एडजस्ट नहीं होगा। तो हम केवल यहाँ पे दो कॉलम को मर्ज करेंगे, या फिर डायरेक्ट जो आइटम डिस्क्रिप्शन वाला कॉलम है उसी में हम उसको जो है सेंटर करके उसको जो है एडजस्ट कर देंगे। जैसा कि इसमें देखिए एडजस्ट हो गया है। हम इसकी साइज़ को बढ़ा लेंगे। यहाँ पे हमने इसका साइज़ हमने बढ़ा लिया। अब ये हमारा जो लोगो है, लोगो को उसके हिसाब से हम एडजस्ट कर लेंगे। फिर आगे इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे इनवाइस लिख देते हैं। यहाँ पे इसको मर्ज कर देंगे। पहले मर्ज करने के बाद यहाँ पे इनवाइस लिखेंगे, इनवाइस करके इसको सेंटर कर लेंगे। अब इसकी साइज़ बढ़ा लेंगे। साइज़ बढ़ाने के बाद फिर हम इसको इतना साइज़ कर देते हैं। फिर आगे आके हम जो इसका इनवाइस नंबर है, नेम है, या फिर हमको इनवाइस टू किसको भेजना है, वो सारा चीज़ इसको हम लिखेंगे। इसमें यहाँ पे नाम लिख दिया और नीचे आके फिर हम इसका एड्रेस लिख देंगे। एड्रेस दो लाइन में होता है, तो इसको हमको जो है दो लाइन में ही लिखना होगा। तो मतलब जैसे एक लाइन ऊपर लिख दिया, एक लाइन नीचे करके उसी को हम सेम चीज़ जो है लिख देंगे। इसमें इसको कॉपी कर लिया, इसको यहाँ पे हमने पेस्ट किया, दो हो गया। फिर इसी पहले वाली लाइन, इसके ऊपर वाले एड्रेस में जो है एड्रेस ही लिख देते हैं। फिर ये उसका लोकेशन हो गया। फिर यहाँ पे आगे आते हैं, इनवाइस नंबर पड़ेगा कि हमारा कौन सा इनवाइस है, और फिर हमारा डेट रहता है। तो हम पहले हम इनवाइस लिख लेते हैं, हैशटैग से हमारा इनवाइस, हैशटैग जो शो कर रहा हमारा वो इनवाइस होगा। यहाँ पर हमने इनवाइस लिख दिया। फिर आगे हम डेट डाल देते हैं, ये हमारा ऊपर का पोर्शन पूरा रेडी हो गया है। अब अगर हम चाहें तो इनवाइस नंबर अभी भी डाल सकते हैं। अभी मान लीजिए हमने कुछ भी इनवाइस नंबर डाल दिया, और जो डेट है तो डेट भी डाल दिया। बिना इसको हम बिना डेट के भी प्रिंट कर सकते हैं, हमने इसमें डेट डाल दे रहे हैं।
बाद में भी हम डेट प्रिंट करने के बाद भी इसको हम डेट डाल सकते हैं इसमें। ये हमारा डेट फिक्स हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे नीचे वाली लाइन में। अब हमको यहाँ पे सीरियल नंबर भी होता है, पहले हम इसको बोल्ड कर लेते हैं। बोल्ड हो गया, इसको बोल्ड हो, यहाँ पे बोल्ड करना, नाम को बोल्ड करना है और इनवॉइस नंबर को भी बोल्ड करना, इसको हम बोल्ड कर लेते हैं। बोल्ड करने के बाद फिर हम यहाँ पे नीचे वाली लाइन में आते हैं, देखेंगे यहाँ सीरियल नंबर है, आइटम डिस्क्रिप्शन है, उस गैप को भी छोड़ना होगा यहाँ पे। तो उसके बाद फिर गैप छोड़ने के बाद फिर हम यहाँ पे नीचे वाले इसको छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद फिर यहाँ पे हम नीचे वाली लाइन में आके लिख लेते हैं सीरियल नंबर। फिर आगे लिखते हैं इसमें आइटम डिस्क्रिप्शन, आगे वाले लाइन में आते हैं क्वांटिटी, आगे प्राइस, यहाँ पे हम जो है टोटल लिख देंगे। अब इसको हम सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद सेंटर कर लिया, सेंटर करने के बाद टेस्ट रैप कर दिया। टेस्ट रैप करने के बाद देखिए इसका हाइट ऑटोमेटिक बढ़ गई, इसको हम जो है कम कर लेते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे और इसको बोल्ड कर लिया। बोल्ड करने के बाद इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम ऑल बॉर्डर लगाएंगे, नीचे अमाउंट सब टोटल लिख दिया, नीचे यहाँ पे GST का जो 9% होता है, CGST और SGST होता है उसको हम लिखेंगे। ये CGST, SGST, यहाँ पर हम पेमेंट इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं। पेमेंट इन्फॉर्मेशन में क्या बैंक डिटेल क्या होती है, क्या पड़ेगी, और हमारा जो बैंक डिटेल मतलब हम अपना ही जिस मतलब जो है बैंक डिटेल डालेंगे, अकाउंट नंबर हो गया, FSC कोड हो गया, और उसका अकाउंट का एड्रेस क्या है, सारी चीज़ हम इसमें लिखते हैं। अब नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, मेल हो गया, वेबसाइट है तो वेबसाइट कैसे क्या रहेगा वो लिख दिया। अब इसके आगे मान लीजिए हम इसको जो है इसका लोकेशन डालना है, इसका सिंबल क्या है, उसको करने के लिए हम यहाँ पे आके जो है आइकॉन में आएंगे, आइकॉन में सर्च कर लेंगे जो जो सिंबल चाहिए। यहाँ पे हमने इसको सर्च कर लिया, मेल चाहिए मेल कर लिया, लोकेशन चाहिए लोकेशन का कर लिया, और फिर वेबसाइट का चाहिए, एड्रेस का चाहिए, सारी चीज़ को हम यहाँ से सर्च करके हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोकेशन में ही देखेंगे तो यहाँ पे वेबसाइट का आ जाता है। एक सिंबल कोई भी सिंबल हम आप उठा के रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं वही रहे। सारा इंसर्ट कर लिया, अब एक एक करके हम सारे को छोटा करके एडजस्ट करेंगे सेम साइज़ में। ये मेल का कर लिया, ये वेबसाइट को भी हमने छोटा कर लिया, ये हमारा एड्रेस है, एड्रेस को भी या लोकेशन जो है इसको भी हम इसको छोटा कर लेते हैं। अब एक एक करके हम उसको हम वहाँ पे जाके सेट करेंगे। मान फ़ोन को फ़ोन नंबर के सामने रख दिया, इसको मेल को लोकेशन को लोकेशन एड्रेस के सामने। अब इसको हम हल्का हल्का थोड़ा इसका क्योंकि एडजस्ट नहीं हो पा रहा तो इसको हम हल्का हल्का इसका जो रो की हाइट को हम चारों रो की हाइट को हम बढ़ा देते हैं। अब रो की हाइट बढ़ गई, यहाँ पे बढ़ गई। अब इसके बाद जो है हम सारे आइकॉन को लाके उसके सामने एडजस्ट कर देते हैं।
ये हमारा सारा आइकॉन एडजस्ट हो गया। नीचे थ्रेड सेंड सिग्नेचर लिख देते हैं। थ्रेड साइन ये हमने लिख दिया। अब इसको हम सारे को सिलेक्ट करके इसमें ऑल बॉर्डर लगा देंगे। जहाँ जहाँ पे जिस पे बॉर्डर हमको जैसा चाहिए वैसा हम बॉर्डर लगा देते हैं। फिर यहाँ पे भी बॉर्डर लगा दिया। इसके बाद हमने सेलेक्ट करके इसको हमने यहाँ पे फिल कलर कर दिया ब्लैक, फॉन्ट कलर वाइट कर दिया। सेम ऐसे नीचे भी कर देंगे, बोल्ड कर दिया, सेंटर कर दिया, इसको भी बोल्ड कर दिया और यहाँ पे भी जो हम जो है सेंटर में कर देते हैं इसको। यहाँ पे हम नीचे लाइन ला देते हैं एक बॉटम लाइन। इसके बाद फिर हमारा ये लगभग ही हमारा तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हम इसको जो बना हुआ है इसको हम प्रीव्यू देखते हैं कि ये हमारा कैसा बना हुआ कैसा नहीं। फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद प्रिंट करेंगे। प्रिंट में यहाँ पे दिखा देगा हमारा जो साइज है कैसे बना हुआ कैसा नहीं। तो हम इसको सबसे पहले इसको हम एडजस्ट करेंगे इसको। अब इसका हम मार्जिन सेट करेंगे इसमें। ये हमने यहाँ से पहले इसको हम लेफ्ट कर लेते हैं, इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं और इसके साइज़ को कम करेंगे और इसके हाइट को भी कम करेंगे। यहाँ पे इसको सेट कर दिया। इनवाइस के साइज़ को भी हम कम करेंगे। यहाँ पे इसको इधर करते हैं और इसको डिलीट करते हैं। पहले ये हमारा इधर एडजस्ट हुआ, फिर हम इसके साइज़ को हम कम करते हैं। ये फॉन्ट साइज़ प्रीव्यू देखते हैं। यहाँ पे हमारा एक कटा हुआ है तो ये दो पेज में आ रहा है। तो इसके लिए हम इसको यहाँ से पहले इसका मार्जिन जो है कम कर देते हैं। मार्जिन में आए, लेफ्ट साइड से हमने बढ़ा दिया और फिर इसका हम जो है इसको हमने थोड़ा बढ़ा दिया और इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया और इसको भी थोड़ा बढ़ा दिया और इसको भी थोड़ा सा बढ़ा दिया। ये हमारा देखिए एक पेज में सेट हो गया। अब यहाँ से हम प्रीव्यू देखेंगे तो अभी हमारा ये बहुत छोटा दिख रहा है। इसके लिए पेज सेटअप में जाएंगे, यहाँ पे जो इसका स्केल बढ़ा देंगे और मार्जिन थोड़ा इधर से हम कम कर देंगे। ओके कर दिया। अब देखेंगे यहाँ पे हमारा एक कॉलम कट रहा है। फिर पेज सेटअप में जाएंगे, पेज सेटअप में जाने के बाद फिर जो है मार्जिन को राइट वाले को जो है कम कर देंगे और लेफ़्ट वाले को भी कम करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है हमारा मार्जिन पूरा आ गया, पूरा सेट हो गया है। अब हम इसको पीडीएफ में जो है सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे सेव किया। हम पीडीएफ में प्रेजेंट टाइम में कई तरीके से इसको हम सेव कर सकते हैं, सेव ऐसे भी और प्रिंट करके भी सेव कर सकते हैं। अभी हम इस जो पीडीएफ सेव किया उसको हम ओपन करते हैं। ये हमारा ओपन हो गया। ये देखिए सेम टू सेम जैसा उसमें इमेज में था वैसा हम जो है एक्सेल में हम इसको हमने बना लिया। ये देखिए ये सेम, इसका जूम छोटा करके दिखा देते हैं। ये देखिए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और
बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।